सभी को जय मसीह की, जय यीशु। एक बार जोर से बोले, जय यीशु। ये बहुत ही आनंद का दिन है जब हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा एक सौभाग्य है कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम एक साथ आके एकत्रित होके उनकी आराधना में शामिल हो। इससे कोई, इससे बड़ा बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, आमेन। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम भजन संहिता के 118वें पद से हम पढ़ेंगे एक साथ। 118वें पद का 25 से 29 तक हम पढ़ेंगे एक साथ। आइए साथ मिलके पढ़े भजन संहिता 118 वचन 25 से। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें बचा। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सफलता प्रदान कर। प्रभु के नाम से आने वाला व्यक्ति धन्य है। हम तुम्हें प्रभु गृह से धन्य कहते हैं। प्रभु ही परमेश्वर है, उसने हमें प्रकाश दिया है। वेदी के कंगूरों तक शोभा यात्रा को बदनवार से सजाओ। तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी सराहना करता हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु की सराहना करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर भला है और उनकी करुणा हम पर सदा और सदा के लिए रहती है। ये एक वाचा परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज का दिन जब हम पूरे विश्व में खजूर का रविवार के दिन के रूप में हम मानते हैं इसको, और जैसे जब यरूशलेम में जब यीशु मसीह आए थे तो वो एक समय था जब लोग चिल्ला चिल्ला के उनको होजाना करते हुए उनकी स्वागत कर रहे थे। वो उनका एक तरीका था परमेश्वर को आराधना देने का। आइए हम सब अपने तरीके से परमेश्वर को आज के दिन आराधना दे, हाथ उठा के, तालियां बजा के, जोर से आवाज़ उठा के हम परमेश्वर को इन गीतों से परमेश्वर को आराधना देते। आइए हम सब मिलके गाना गाएं। गाते तेरे गुणगान।
अर्थ हम यही सम, हम होजाने शब्द का मतलब होता है कि प्रभु हमें बचाओ। क्या हम, मैं बस आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या अब हमें कहना चाहिए कि प्रभु हमें बचाइए, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी हमें बचा चुके हैं, है ना? उन्होंने क्रूस पे जब अपना खून बहाया, उन्होंने हमारे सारे पापों का सब सब कुछ अपने ऊपर लिया और उन्होंने हमें ऑलरेडी बचा लिया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं होजाना इन द हाईएस्ट, है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक घोषणा कर रहे हैं कि उस प्रभु के लिए जो हमें बचाने योग्य है, हालेलुया, वो परमेश्वर सामर्थ है हमें बचाने के, हालेलुया। इसलिए हम ये शब्द बोलते होजाना होजाना, जबकि जिसका मतलब है सेव, हमें बचाइए, जबकि हम बच चुके हैं, फिर भी हम परमेश्वर के उस सामर्थ को हम घोषणा करते हैं कि प्रभु हमें बचाने योग्य है और प्रभु हमारा राजा है, वही सब कुछ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हम जब सोचते हैं उस समय के थोड़ा हम पीछे पुराने नियम में जब हम जाते हैं, तो हम उस दिन के विषय में जब सोचते हैं, फसह का पर्व था जब मूसा को ये आज्ञा मिली थी कि आप मेमने का रक्त जो है उस द्वार पे लगाए, और जिसकी वजह से जितने भी यहूदी लोग थे और कुछ मिस्री लोग भी बचाए गए थे। ये आपको सबको याद होगा ना ये कहानी, और ये सच्चाई थी, कहानी सिर्फ नहीं है, सच्चाई थी। और वही जो लहू था, जो मेमने का लहू था, वो इतना सामर्थी लहू था कि उस समय उन लोगों को बचाया। अब ये सोचिए कि जब यीशु मसीह आए, वो एक हमारे जो मनुष्य के रूप में जो मेमने थे, वो परमेश्वर के मेमने, जब वो क्रूस पे गए, तो उनका लहू कितना सामर्थी होगा, हालेलुया, उससे कहीं बढ़कर उनके लहू में वो सामर्थ है, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को आराधना दें इस गीत के द्वारा। Thank you.
को उठा के परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आपके नाम में सामर्थ्य जो हमें छुड़ाता है, हमें सारे बंधनों से आजाद करता है, ऐसा लहू जो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया जीसस, थैंक यू सो मच परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके उस लहू के लिए प्रभु जी, परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बहाया परमेश्वर, परमेश्वर आपने सिर्फ हमसे प्रेम किया और कुछ ना किया प्रभु जी, हमसे सिर्फ प्रेम किया परमेश्वर, और आपने वो प्रेम को दर्शाया उस क्रूस पर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, परमेश्वर पिता थैंक यू लॉर्ड। जब हम सोचते हैं उस दिन को जब यीशु मसीह यरूशलेम के नगर में जब निकले थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ें, उन्होंने ये नहीं चूज़ किया कि वो राजा थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं चुना कि वो किसी घोड़े पे आए या किसी हाथी पे आए, उन्होंने एक दीन गधे को चुना जिस पे वो सवार होके आए। इससे हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं, जो मैं सीखती हूँ, मुझे जो परमेश्वर सिखाते हैं कि परमेश्वर बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें एक छोटी सी चीज़ों से भी करते हैं। परमेश्वर बड़ी चीज़ करने के योग्य हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर बहुत बैंड बाजा बारात के साथ परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करेंगे और मतलब सब आसमान और धरती हिल जाएंगे, लेकिन छोटी सी चीज़ों में भी जिसमें हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उस चीज़ों में भी परमेश्वर बहुत बड़े कार्य करने योग्य हैं। वो ऐसे परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, इतने बड़े परमेश्वर है कि वो कभी ऐसी छोटी चीज़ों को भी वो अनदेखा नहीं करते हैं। छोटी सी छोटी आज्ञा जो हम ले मानते हैं हम कि अपने जीवन में परमेश्वर को देते हैं, वो उसमें भी परमेश्वर बहुत बड़े कार्य करने के योग्य है। हालेलुया, और वो यही चाहते हैं कि हमसे, हमारे जीवन से, कि परमेश्वर सिर्फ हमसे हमारा हृदय चाहता है और हमारी आराधना चाहता है, और वो हमारी आराधना में और स्तुतियों में विराजमान है। आइए हम आज के दिन प्रभु जी परमेश्वर को, जब हम ये गीतों से उनको हम आराधना देते हैं, हम ये विश्वास करें कि प्रभु हमारी आराधना में विराजमान है। हालेलुया, आइए हम उनको आराधना दें। मिट्टी में जा मिलूं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आइए कुछ क्षण लेके परमेश्वर को धन्यवाद दे उस सप्ताह की ओर जब वो परमेश्वर शुरुआत करते हैं वो विजय कूच के द्वारा, एक राजा के रूप में वो जब यरूशलेम में यरूशलेम नगरी में जब प्रवेश करते हैं सब उनकी आराधना करते हैं और हम भी उनसे जुड़ के आज के दिन जब हम परमेश्वर को उस दिन को स्मरण करते हैं परमेश्वर को आराधना देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी आराधना रुकनी नहीं चाहिए, अपने आवाज़ों को उठा के परमेश्वर को आराधना दे, उनको आराधना दे कि वो योग्य परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, हमारे जीवन द्वारा उसको महिमा मिले, यही हमारा जीवन का देश होना चाहिए। हालेलुया पवित्र परमेश्वर, ये
हालेलुया। आज खजूर रविवार के रूप में दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है। आज हमारे लिए खजूर रविवार कोई महत्व नहीं रखता है। आप लोग सब चौंक गए इस बात को सुन के। यदि आपको खजूर के क्रूस नहीं मिले कोई बात नहीं, वो खजूर के क्रूस पे नहीं लटका था और ना ही खजूर के क्रूस को वो पकड़े हुए थे। तो जब यीशु ने नहीं पकड़ा, उसके शिष्यों से नहीं पकड़ा, तो हम क्यों पकड़े? ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात की है कि यीशु को लोगों ने राजा बनाना चाहा और राजा बनाने के उद्देश्य से उन्होंने एक जुलूस निकाला। प्रभु यीशु ने कहा, हूँ मैं राजा, लेकिन जिस तरह तुम सोचते हो राजा, वैसा राजा नहीं हूँ मैं। खैर, वो यरूशलेम में प्रवेश किया। यरूशलेम के द्वार पे पहुंचकर वो आंसू बहाया, रोया, क्योंकि उसका दिल दुख से भरा। उसने कहा, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को बटोरते हैं अपने पंखों के नीचे, उस प्रकार से मैं भी तुम्हें बटोरूं। और उसके बाद आंसू बहाए, दुख के साथ वो यरूशलेम में प्रवेश किया। लोग जय जयकार कर रहे थे, कह रहे थे, अब तुम हमारे राजा बनो, हम तुम्हें मुकुट पहनाना चाहते हैं, अपने राज्य को स्थापित करो, और ये जो रोमी हैं इनको यहाँ से हटाओ, भगाओ, हमारी सेना तैयार है, हम इनको भगा सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य ऐसा राज्य जो तुम नहीं जानते हो अभी तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो। इसीलिए मैं आज के दिन सिंहासन स्थापित करने नहीं आया हूँ। इसीलिए वो भीड़ जो जय जयकार कर रहे थे, होशाना के नारे लगा रहे थे, चार दिन बाद उनका नारा बदल गया। अभी तक कह रहे थे तुम राजा हो, तुम धन्य हो, दाऊद के संतान हो, चार दिन बाद अब वो कह रहे हैं इसे क्रूस पे चढ़ाओ। वही लोग हैं, भीड़ वही लोग हैं, क्योंकि वो बहुत निराश हो गए। ये कैसा आदमी है? कभी कहता है परमेश्वर का पुत्र है, कभी कहता है मेरा कोई सिंहासन नहीं है यहाँ पर, मैं स्थापित नहीं करने आया हूँ। भीड़ समझ नहीं पा रही थी कि यीशु का उद्देश्य क्या था। क्यों? उनके कान थे लेकिन सुनने वाले कान नहीं थे, उनका मन था, समझने वाला मन नहीं था। इसराइली देश के लिए परमेश्वर का एक विशेष योजना थी, और आज हम इसराइल हैं। आज हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर का एक योजना है। हमको और आपको ये समझना है कि ये योजना क्या है, और फिर उस योजना के अधीन अपने आप को लाना है और अपने आप को समर्पित करना है। पवित्र आत्मा मेरी आज सहायता करे कि मैं आपको हिंदी में उचित शब्दों के साथ मैं उस सही संदेश को पहुंचाऊं जो परमेश्वर ने मेरे दिल में अंग्रेज़ी में डाला। सो मेरा मन अंग्रेज़ी में सोच रहा है एक भाग, और दूसरा भाग उसे अंग्रेज़ी से हिंदी कर रहा है और फिर मुंह से निकाल रहा है। तो बहुत काम चल रहा है यहाँ पे। आप लोग प्रार्थना करिए कि जो शब्द निकले वो सही शब्द निकले, और संदेश जो धन्य संदेश है वो सही शब्दों के साथ यहाँ से निकले। इस प्रार्थना के साथ बैठिए, क्योंकि आज के दिन मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर पिछले दो हफ्ते से मेरे दिल में मुझसे बात कर रहे थे और मेरे दिल को कायल कर रहे थे और मुझे सिखा रहे थे। वो बातें जो मैंने उस तरह नहीं सोचा जैसे सोचना चाहिए, लेकिन जैसे कई लोग सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता था। आज हम जबकि प्रभु के मेज के सामने हैं, इस मेज में हम शामिल होंगे वे लोग जो नई वाचा में प्रभु यीशु के साथ प्रवेश कर चुके हैं, और जितने लोग अभी तक प्रवेश नहीं कर चुके हैं, यीशु का न्योता है आपको प्रवेश कराने के लिए। परमेश्वर आपको न्योता देता है कि तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम उस वाचा में प्रवेश करें और अपने आप को बांधें जो परमेश्वर ने स्थापित किया और आपको और मुझे शामिल करना चाहते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा,
मेरी प्रार्थना यह है कि हर एक के कान आज के दिन उन बातों को सुने, हर एक का मन उन बातों को ग्रहण करे, दिल ग्रहण करे और मन उन बातों को समझे जो आपका वचन हमें सिखाना चाहता है। हमारे मन के द्वार को आप खोलो ताकि हम उन बातों को ग्रहण कर सके, हमारे समझ को खोलो कि हम समझ सके, हमारे कान और आंखें खुली हों ताकि हम देख सकें और सुन सकें उन बातों को जो आपकी आत्मा हमसे कह रही है। धन्यवाद, आपका अभिषेक सुनने वाले पर हो लेकिन उससे बढ़कर बोलने वाले पर भी हो। प्रभु जी, मैं अपने आप को उस क्रूस के पीछे छुपाता हूँ ताकि जो वचन जाए वो सीधे आपके वचन से ही जाए, आपके मुँह से वो सुनने पाए और उनके दिल को कायल करे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आज तक कई लोग ऐसे हैं विश्वासी जो इस मेज को उस गंभीरता से नहीं लेते हैं जिसे लेना चाहिए। मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रभु का मेज है ये एक भोजन है, इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है प्रभु भोज। ये स्नैक्स नहीं है, ना ही ये रिफ्रेशमेंट है, ये एक प्रॉपर भोजन है। स्नैक्स छोटे मोटे होते हैं, कम मात्रा में होती है और जल्दी परोसा जाता है। भोजन वो होता है जिसमें समय बिताया जाता है। और मैं शादी और बर्थडे और इन सब भोजों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भोजन की बात कर रहा हूँ जो आप अपने घर पे परोसते हो, जिसे आप अपने संबंधियों को परोसते हो, उनको जिसे आप बड़े प्रेम के साथ बुलाते हैं। आप हर एक को अपने घर पे नहीं बुलाते हो भोजन के लिए, चाय पे ज़रूर बुलाओगे, आप मिलने के लिए शायद बुलाओगे, लेकिन भोजन पर आप गिने चुने लोगों को बुलाओगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। क्योंकि भोज या भोजन ऐसी चीज है जो इंटिमेसी के साथ बांटी जाती है। इंटिमेसी यानी घना रिश्ता, एक निकट का एक संबंध, एक गहरा संबंध वो है भोज। आज प्रभु यीशु आपको इस भोज पर न्योता दे रहे हैं, लेकिन उस भोज को स्वीकार करने के लिए, उस न्योता को स्वीकार करने के लिए आपको वाचा में प्रवेश करना है। आइए अपने बाइबलों को खोलें। बाइबल, मैं चाहता हूँ हर एक जन बाइबल का प्रयोग करें। आपके कुछ लोग जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा फ़ोन कहाँ है, ये है, जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको इस बात से निराश करना चाहता हूँ कि आप चर्च में बाइबल के स्थान पर फ़ोन का प्रयोग करें, और इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप लिखित बाइबल को अपने साथ लाएं। बाइबल पे कवर पे क्या लिखा है? पवित्र बाइबल लिखा है ना, पवित्र बाइबल। क्या ये पवित्र फोन है? नहीं, पवित्र फोन नहीं है। इसमें केवल परमेश्वर का वचन है। यस। क्या इसमें केवल पवित्र वचन है? नहीं। इसमें ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं? नहीं। इसमें है, हाँ, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, SMS, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ है इसमें। एक कोने में बाइबल पड़ा होगा और आप ये बाइबल खोलेंगे तो कोई पॉपअप नहीं आएगा, केवल एक पॉपअप आएगा, पवित्र आत्मा वचन को, ही विल मेक इट अलाइव। लेकिन इसमें क्या पॉपअप आते हैं? छूट, 50-75% छूट, या फिर अरे कहाँ हो, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, घंटी बज रही है, उठा नहीं रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज पॉपअप है ना। अब इससे बजाय कि योहन्ना 3:16 पढ़ें, एकदम से पॉपअप, कोई देख नहीं रहा ना, जल्दी से दबा दिया, बस ध्यान भटक गया, कनेक्शन टूट गया। ये पवित्र फ़ोन नहीं है, इसे पवित्र बनाने की कोशिश भी मत करिए। ये अच्छी चीज़ है
लेकिन इसे अपने नौकर के तरह इस्तेमाल करिए, इसे अपना स्वामी कभी बनने मत दें। ओके, प्रेज गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय है, बहुत ही मधुर संगीत है, परेशान मत होइए, ये सच में एक मधुर संगीत है। नवजात शिशु का शोर एक नहीं, आप मैं कोई आप बैठिए, आप परेशान मत होइए, बैठिए, परमेश्वर के भवन में है ये बच्चे, कोई बात नहीं। आप लोग अपना ध्यान भटकने मत दें, बस आप अपना कंट्रोल रखिए। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय है, 26वां अध्याय, देखिए कैसे खामोश हो गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर बच्चा रोए भी कोई बात नहीं, उस बच्चे में जान है, उस बच्चे में ऊर्जा है, शोर मचाएगी, सब कुछ होगा। बाइबल मेरे पास अंग्रेजी है, क्षमा करिएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए, ठीक है, आप लोग पढ़िए। 26 अध्याय उसका 26 से 29 पढ़ मैं चाहूँगा, पदों को चाहूँगा सब लोग पढ़ेंगे। मत्ती 26 से 29, यदि आप लोग उस भाग पहुँच चुके हैं आमीन बोलिए। और आज सुबह मैं कुछ कुछ अपने वाक्यों को अधूरा छोड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप उसे पूरा करें। ऑलराइट, सो आप बिना हिचकिचाए ऊंचे आवाज में, ठीक है, मन में नहीं, मेरे मुझे आपको मन की बातें नहीं सुनाई देंगी, ऊंचे आवाज में आप उसे पूरा करिएगा। 26 अध्याय 26 से 29, रेडी स्टार्ट। यहाँ से जब सुनाई देता तो ऐसा मालूम पड़ता है वॉल्यूम फुल था, धीरे धीरे कोई उसका वॉल्यूम कम कर रहा है, ध्वनि कम होती गई और वॉल्यूम एकदम जीरो हो गया। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 22 से 25 पदों को ऐसे ही पढ़िए ऊंचे आवाज में। 25 को समाप्त करके उसके आगे नहीं बढ़ना है, 25 तक पढ़ना है, ठीक है। 22, 23, 24, 25, चार पद, ready start। लूका 22 14 से 20, 20वें पद में यीशु कुछ बोल रहे हैं, वो 21वें पद में भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन आप 20 पे ही खत्म करिएगा, 20 पे रोकना है। लूका 22 14 से 20, रेडी स्टार्ट। बीस तक, तुम्हारे लिए बहाया गया है नई वाचा है। तीनों भागों में हम कुछ बातों को पाते हैं जो एक जैसे हैं। यीशु ने रोटी ली,
धन्यवाद देकर तोड़कर उसे दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और फिर उसी प्रकार से उसने कटोरा लिया। ओके, लेकिन अलग अलग पदों में आप ये देखोगे, कुछ जगह लिखा है। अब जैसे लूका में मैंने आपको 22 का 14 से पढ़वाया, सो उसके 17 में लिखा है, 17 में क्या लिखा है, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, ठीक है, लो और आपस में बांट लो। फिर उसके बाद 20 में लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया। ये कितने कटोरे हुए? 2। यीशु ने कितने कटोरों का प्रयोग किया? 2, जो जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि ये जो फसा का पर्व है, इस भोज में 4 प्याले या 4 कटोरे होते हैं जो प्रयोग किए गए थे। एक यहूदी परिवार में जब वे मिलकर आपस में इस भोज को लेते थे, तो चारों कटोरों को वो अलग अलग समय पर उस भोजन के दौरान वे प्रयोग करते थे। सो ये जो भोज जो यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ थे, वो प्रॉपर एक डिनर था। ओके, हमारे पास यहाँ पे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है और एक घूट रस। आजकल चाय की दुकान पे भी इतना ही वो चाय देते हैं, 7 रुपये का और 5 रुपये का, क्या कहते हैं उसको, कटिंग। पहली बार जब मैंने कटिंग सुना, मैंने कहा चाय को कटिंग कैसे करते हैं ये लोग, कटिंग, और कटिंग को इतना देते हैं जितना हम प्रभु, कभी कभी शायद हम प्रभु भोज में उससे ज़्यादा देते हैं। लेकिन ये जो आज हम करते हैं, केवल 30 सेकेंड में मेरे ख्याल से रोटी लेंगे, अगर अच्छा रोटी है तो खूब चबा के, थोड़ा समय लगता है, 20 सेकेंड लगेगा। गूट लेने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड और ख़त्म। लेकिन फसा का पर्व ऐसा नहीं था, एक प्रॉपर मील था। पहला प्याला, जैसे ही सब मेज पे बैठते थे, सबसे पहला काम पहला प्याला लेते थे, उसमें से पीते थे। उस प्याले को, उस कटोरे को कहा जाता था शुद्धिकरण का कटोरा। दूसरा कटोरा छुटकारे का। तीसरा कटोरा रिडेम्पशन। Deliverance and redemption. Somebody help me, please. Yeah, but deliverance is a rescue, and redemption is post-rescue. You complete the work of rescuing. The first cup was the cup of sanctification. Second, deliverance. Third, redemption. और ये तीसरा प्याला था जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि इसके बाद मैं अब नहीं पीऊँगा जब तक परमेश्वर का राज्य स्थापित ना हो। कौन सा? चौथा। वो था हलेल। दैट कप वॉज सिग्निफाइंग हलेल। हलेल क्या है? हालेलुया का हलेल। हलेल यानी कि प्रशंसा, स्तुति। हालेलुया का अर्थ क्या है? या क्या है या कौन है? यहोवा, या। हालेलुया यानी कि स्तुति हो या की। दैट इज द मीनिंग ऑफ हालेलुया। ओके, सो हलाल, हलेल, हलेल, नॉट हलाल, हलेल। चौथा प्याला हलेल। और यीशु ने कहा ये मैं जब तक नहीं पीऊँगा, अब पहले पीते आ रहे थे लेकिन अब मैं नहीं पीऊँगा जब तक परमेश्वर का राज्य। सब ये बस एक साइड नोट था आपके लिए, लेकिन 4 प्याले थे। जो अगली बात आप पाते हैं, इसमें कटोरे को उठाने के बाद वो कहता है इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे लहू में क्या है? जो बालकनी के नीचे बैठे हैं, क्या है ये? बालकनी पर जो बैठे हैं, नई वाचा। मेरे लहू में नई वाचा है, उसमें मेरे साथ शामिल हो। इस प्याले का ये अर्थ है, नई वाचा। यदि एक नई वाचा है, इसका अर्थ क्या है?
एक पुरानी वाचा थी। यस yes? आप हैं मेरे साथ? आमेन। जिनको नींद आ रही है हालेलुया बोलें। पुरानी वाचा क्या है? इसके लिए हमें पुराने नियम में जाना है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति, निर्गमन। देखिए, मेरे पास बहाना है यदि मैं इन शब्दों को नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, निर्गमन 24। इस अध्याय का शीर्षक के रूप में क्या शब्द लिखे हैं? यहोवा और इसराइलियों के बीच वाचा। यहोशु इज अनदर नेम फॉर जीसस। ये है वो पुरानी वाचा। ओके उसके 8वें पद को सब लोग जोर से पढ़िए। नहीं, सब लोग ऊंचे आवाज में पढ़िए। ये उस वाचा का लहू है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे लहू नई वाचा है। यहां पे मूसा पहले वाचा के लहू के विषय में बात करता है। ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सारे वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। कौन सा लहू है ये? ये जो अभी पढ़ा है ये कौन सा लहू है? इसके लिए हम पढ़ेंगे 5वें और 6वें पद इसी अध्याय के। 5वें और 6वें पद पढ़िए जोर से। जवानों को भेजा अपने कार्य को करने के लिए। इसलिए अपने आप में से जितने अपने आप को जवान समझते हैं, अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए उपलब्ध करें। मूसा ने जवानों को भेजा 2 बलि का इंतजाम करने के लिए, चढ़ाने नहीं, इंतजाम करने। आप जो जवान हैं, इंतजाम करने के लिए तैयार रहिए। शायद जरूरत पड़े कि झाड़ू पोछा की यहाँ लगना हो। इस भवन में जहाँ परमेश्वर के लोग आते हैं, अपने आप को उपलब्ध करिए। मूसा ने भेजा, कौन कौन से बलि थे? होम बलि, बोलिए होम बलि, और मेल बलि। ओके, होम बलि। देखिए, जितने बलि थे, कई प्रकार के बलि थे, और हर बलि को क्या करते थे? लोग लाते थे याजक के पास, याजक उसे चढ़ाता था वेदी पर, और जो होम बलि है उसे जलाते थे, पूरी तरह भस्म करके राख करते थे। इसीलिए उसे होम या बर्नट ऑफरिंग कहते थे, बर्नट ऑफरिंग, पूरी तरह जला देते थे। लेकिन मेल बलि केवल एक ऐसा बलि है जिसमें चढ़ाने वाला उसमें से एक हिस्सा ले सकता है और वो उसे खा सकता है। द पीस ऑफरिंग वॉज द ओनली ऑफरिंग दैट द ऑफरर वॉज अलाउड टू कंज्यूम। न तो बाकी जितने बलि थे क्या होता था? वेदी पर चढ़ाया जाता था और फिर एक हिस्सा याजक लेते थे, याजक उसे कंज्यूम करते थे। लेकिन मेल बलि में जो चढ़ाने वाला था, ही वॉज अलाउड टू कंज्यूम अ पोर्शन ऑफ दैट सैक्रीफाइस, ऑफ दैट ऑफरिंग। मेल बलि। हम थोड़ा और पीछे चलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसी के 3रे और 4थे पदों को भी पढ़ें। पढ़िए, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिया। तब सब लोग एक स्वर में क्या बोल उठे? उन सब बातों को हम मानेंगे। किसने ये बोला?
ना यहोवा ने बोला ना मूसा ने बोला, किसने बोला? लोगों ने, इसराइलियों ने कहा जो यहोवा ने बोला है हम वैसा ही करेंगे। तब मूसा आगे बढ़े। ये वो समय है जब परमेश्वर अपने वाचा को ना केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, बल्कि इसके शर्तों को भी लोगों के सामने रख दिया। और अब ये वो समय है जब वाचा को केवल परमेश्वर नहीं परंतु दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी कौन है? पहली पार्टी परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। वाचा में दो लोग होते हैं कम से कम, पहली पार्टी और द्वितीय पार्टी। पहली पार्टी यहोवा परमेश्वर है, द्वितीय पार्टी कौन है? इसराइली, बोलिए इसराइली, दूसरे पार्टी। आज के दिन नए वाचे में दो पार्टी है, यीशु मसीह और हम विश्वासी। बोलिए हम विश्वासी, हम द्वितीय पार्टी हैं। वाचा में हमेशा ये होता है। और इस वाचा के बांधने में जो हम यहां पढ़ते हैं उसके पांच ऐसे स्टेज हैं जिनकी ध्यान, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा था यहां पर जब मूसा ने चौथे पद में हम पढ़ते हैं वो सुबह सुबह उठा और उसने क्या किया? पर्वत के नीचे एक वेदी बनाया, जो ईंट, जो पत्थर, कितने पत्थर थे? 12 क्यों? इसराइल के 12 गोत्रों को दर्शाते हुए। ये 12 कौन है? ये गोत्र कौन है? ये 12 नाम है, ये 12 पुत्रों के नाम है। किसके पुत्र के नाम है? हाँ, याकूब, बोलिए याकूब। कोई है यहां पर जो याकूब के 12 पुत्रों के नाम को जानता है? कोई नहीं है। अरे, कोई है जो यीशु के 12 शिष्यों के नाम जानता है? मयंक, वेरी गुड। और कोई नहीं है? ओह माय गुडनेस। कोई है यहां पर जो 10 आज्ञाओं को जानता है क्रम अनुसार? अरे, आप ईसाई हो क्या? मिसेस जेम्स, वेरी गुड। अरे, कम से कम इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 10 नियम क्या थे। यू नो, वेरी गुड, दे नो, यू ऑल नो, ओके। 10 आज्ञाएं, ये तो इवन रोमन कैथलिक्स भी जानते हैं, लेकिन हम तो पेंटिकोस्ट हैं, हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप होमवर्क करिए, 12 गोत्र सारे नाम याद करिए, याकूब के जो पुत्र थे। अच्छा, किसी एक पुत्र का नाम बताइए। बेंजामिन, यूसुफ, रूबेन, अयो, दान, यस। एनीवे, अभी नहीं, होमवर्क होम पे होना चाहिए, घर में नहीं, यहाँ नहीं। यीशु के 12 शिष्यों के नाम याद करिए, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं, आप याद करिए। पीटर सबसे प्रसिद्ध है, ओके। 10 आज्ञाओं को याद करिए, आपको 10 आज्ञाएं तो मालूम होनी चाहिए। जब आपको मालूम ही नहीं तो आप क्या आज्ञा मानोगे? हाँ, बाइबल में कितने पुस्तक हैं? 66 पुराने नियम में कितने हैं? 39 और नए नियम में 27। अच्छा, ये हमारा कक्षा नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। 12 गोत्रों को दर्शाते हुए 12 बड़े बड़े पत्थरों को एक साथ लाकर पहाड़ के नीचे मूसा ने स्थापित किया, वेदी बनाया। वेदी क्या है? वेदी कौन सा स्थान है आपके लिए और मेरे लिए? वेदी वो स्थान है जहाँ पर, वेदी क्या है? वो स्थान जहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है, राइट?
सो ये याद रखिएगा, वेदी वो स्थान जहां पर बलिदान चढ़ाया जाए। दूसरा जो हम देखते हैं, बलि, वेदी और फिर बलि। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि बलि लाओ। किस प्रकार के बलि थे? होम बलि और मेल बलि। ऑलराइट। तीसरा, लोगों ने उत्तर दिया। जब मूसा ने सामने व्यवस्था की बातें रखी, आज्ञाएं बताई, तब लोगों ने उत्तर दिया। क्या बोला लोगों ने? हम वैसा ही करेंगे, हम आज्ञा मानेंगे। ऑलराइट, हम वैसा ही करेंगे और हम आज्ञा मानेंगे। तीसरा, ये सब वाचा के स्थापित होने के अलग अलग हिस्से हैं। तो ये तीसरा हिस्सा। चौथा हिस्सा आप मेरे साथ पढ़िए, 24 का, उसी पुस्तक को खुला रखिए, 24 का आठवां पद। सबसे पहला वचन जो हमने पढ़ा निर्गमन में, मूसा ने लोगों पर लहू छिड़का। क्यों? क्यों छिड़का लोगों पर? क्योंकि मूसा वाचा में नहीं प्रवेश कर रहा था अकेले, ना ही 12 गोत्र के अगुए अकेले प्रवेश कर रहे थे, लेकिन पूरा देश, पूरा इसराइली देश इस वाचा में प्रवेश कर रहे थे यहोवा परमेश्वर के साथ। ओके? इन बातों को ध्यान में रखिए। द एंटायर नेशन वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द कवनेंट, इट वॉज नॉट ओनली मोसेस। इसीलिए मूसा ने लोगों को उसका हिस्सा बनाते हुए लोगों पर लहू छिड़काया। अब मैं नहीं जानता ये कैसे संभव है, 4.5 लाख लोग। मैं यहां खड़े होकर यदि आपके ऊपर पानी भी छिड़काऊं तो पहले 3 बेंच तक शायद पहुंचेंगे, उसके आगे तो पहुंचेगा ही नहीं। 4.5 या 5 लाख लोगों पर मूसा ने कैसे छिड़काया लो? वहां पे बम्बा नहीं था, वो क्या, पाइप नहीं था, स्प्रिंग मशीन नहीं था। उफ, कैसे छिड़काया? प्रभु ने रास्ता बनाया, लेकिन इसराइली लोगों पर छिड़काया। और अब पांचवा कार्य, ये कार्य ने परमेश्वर ने मेरे दिल में एक ऐसा अनुभव इन दिनों में लाकर रखा, इट वॉज सो एक्साइटिंग फॉर मी, मेरे लिए इतना उत्तेजना देने वाली बात, इतनी खुश कर देने वाली बात, लेकिन साथ में मुझे इतना भय से भर देने वाली बात। पांचवा हिस्सा, वाचा बांधने का पांचवा कदम, 24 का पढ़िए 9, 10 और 11। जोर से पढ़िए, सब लोग पढ़िए। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड। इसराइलियों के जो 70, क्या पुरानी है, क्या लिखा है, पुरानी है एल्डर्स, उन्हें परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि पूरी भीड़ को नहीं बुला सकते थे उस पहाड़ पर, तो प्रतिनिधि के रूप में 70, 12 गोत्रों में से 70 अगुओं को बुलाया, और उसके अलावा 4 नाम दिए। कौन कौन से नाम है जल्दी बताइए, बिना देखे बताइए। मूसा, हारून, नादाब, अबीहू, और जब आप आगे पढ़ेंगे आप ये भी समझेंगे कि यहोशू भी था वहां पर। 75 लोग, परमेश्वर ने 75 लोगों को न्योता दिया, और वहां लिखा है परमेश्वर को उन्होंने देखा। यह कैसे संभव है कि लोगों ने परमेश्वर को देखा? क्योंकि परमेश्वर का कहना है कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, कोई भी मनुष्य नहीं देख सकता है। लेकिन यहां पर एक अद्भुत तरीके से यहां पर साफ साफ लिखा है, मेरे अंग्रेजी में तो लिखा है, हिंदी में
लिखा है परमेश्वर का दर्शन किया। मेरा समझ दर्शन का यह है कि मुझे दिखाई दिया। क्या कोई और मीनिंग हो सकता है दर्शन दिया का? आप लोग जो अच्छी तरह हिंदी जानते हैं, दर्शन दिया का कोई और अर्थ हो सकता है, संभावना है? बताइए मुझे, हिचकिचाइए मत। इज देयर एनी अदर मीनिंग टू दिस, एनी अदर इंटरप्रिटेशन? क्या यही है, केवल यही हो सकता है कि उन्होंने यीशु को देखा, परमेश्वर को देखा अपने आंखों से? यस, कोई है जो सहमत नहीं है इस बात से? किसी अद्भुत तरीके से यह संभव हुआ कि मनुष्य ने अपने नंगे आंखों से परमेश्वर को देखा और वे जीवित रहे। वहां साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने हाथ नहीं उठाया। देखिए, परमेश्वर का कहना यह नहीं था कि यदि तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, यह नहीं था परमेश्वर का अर्थ। लेकिन परमेश्वर का महिमा का तेज इतना तीव्र है, उसका जो महिमा में चेहरा है वो इतना तेज है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति वहां पर बिना भस्म हुए वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। यह उसका अर्थ है। यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर उसे मार डालेगा। सूर्य के विषय में जब हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे थे, हमने पढ़ा है कि सूर्य का तेज, उसका तापमान इतना अधिक है कि कोई वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ना ही कोई जीवित वस्तु जंतु, ना ही कोई मरी हुई वस्तु, कोई भी चीज सूर्य के निकट भी नहीं जा सकता, है ना? एक सीमा है जहां तक जा सकते हैं, उसके आगे अगर बढ़े क्या होगा? भस्म हो जाएगा। वो सूर्य ये थोड़ा ना कह रहा है कि अरे तुम मेरे पास अगर आओगे तो मैं मार डालूंगा, मैं जला डालूंगा। नहीं, सूर्य ये नहीं कह रहा है। लेकिन सूर्य की क्वालिटी ही ऐसी है कि जैसे ही आप उसके निकट आओगे आप भस्म हो जाओगे। एक माचिस की तीली को आप जलाकर पकड़ोगे और आग अगर जलती रहेगी, क्या होगा? आप अगर पकड़े रहोगे तो आपकी उंगली जल जाएगी। क्या माचिस ने हमको धमकी दी थी कि मुझे मत पकड़ो मैं मार डालूंगा? नहीं, माचिस कभी वो धमकी नहीं देती है। लेकिन आप अगर पकड़े रहोगे आप जल जाओगे। इट इज नॉट गॉड हु इज पनिशिंग अ पर्सन बाय किलिंग हिम, बट इट इज गॉड्स एट्रीब्यूट बिफोर विच यू कैनॉट सर्वाइव, यू कैनॉट स्टैंड। ये एक आश्चर्यकर्म यहां पर हुआ उस दिन कि परमेश्वर के तेजोमय उपस्थिति में ये 75 लोग खड़े होकर परमेश्वर को देख सके और वे भस्म नहीं हुए। आप मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वाचा को स्थापित कर रहा था। परमेश्वर इसराइलियों के साथ अपने वाचा को स्थापित कर रहा था। वो मरे हुए लोगों के साथ नहीं स्थापित कर सकता है, उसे जीवित लोगों के साथ ही स्थापित करना है। इसीलिए उसने अपने हाथ को बढ़ने नहीं दिया, उसने उन लोगों को जीवित रखा। हालेलुया। ब्रदर सचिन, देयर इज अ टर्म इन लीगल लैंग्वेज, रेटिफाई। वुड यू हैपन टू नो द हिंदी वर्ड फॉर रेटिफाई? I'm sorry. Okay. केवल उतना ही नहीं, हम जब आगे पढ़ते हैं वहां पर लिखा है उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। वो सही शब्द नहीं पा रहे थे कि उसका वर्णन करें। वो वर्णन से परे था जो उन्होंने दृश्य देखा, शब्द नहीं मिले। इतना आश्चर्यजनक एक दृश्य उनको उस दिन देखने को मिला और परमेश्वर ने उन्हें देखने दिया। ये उनके लिए एक सौभाग्य की बात थी, एक आदर की बात थी कि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने उन्हें न्योता दिया और कहा मेरे पास आओ, मुझे देखो, मेरे साथ एक संबंध बांधो, एक निकट का रिश्ता बांधो। क्योंकि आगे लिखा है ना केवल उन्होंने उसे देखा लेकिन उन्होंने खाया और पिया। ओ माय गॉड, जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मेरा मन इसे ग्रहण नहीं कर पाता है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑलमाइटी क्रिएटर गॉड इज इनवाइटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कम एंड हैव अ मील विद हिम। क्षमा करिएगा, यहोवा परमेश्वर लोगों को अपनी ओर बुलाकर कहता है
मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, मेरे साथ एक निकट का रिश्ता बांधो, एक संबंध बांधो, और फिर इसी को पूरा करने के लिए हम खाएंगे और पिएंगे। माय गुडनेस, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट एन ऑनर, व्हाट एन ऑनर। द एवरलास्टिंग गॉड, सॉवरेन लॉर्ड, किंग ऑफ द यूनिवर्स इज इनवाइटिंग मैन, सेइंग कम। उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, हम नहीं जानते हैं। मैं इतना जानता हूं, यदि परमेश्वर ने न्योता दिया तो परमेश्वर ने ही मेजबानी करी। इज दैट द करेक्ट लैंग्वेज, मेजबानी, होस्ट। यदि परमेश्वर ने न्योता दिया है तो परमेश्वर ने मेजबानी करी, और यदि परमेश्वर ने मेजबानी करी तो उन्होंने दैव्य भोजन खाया, उन्होंने दैव्य पेय, पेय को पिया। इज दैट करेक्ट, दैव्य पेय को पिया, स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय भोजन। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब सर्वशक्तिमान प्रतापी यहोवा परमेश्वर इंसान को बुलाकर कहता है, मैं जो भोजन दे रहा हूं आके खाओ, मैं जो पीने को दे रहा हूं उसको पियो, मेरे पास आओ। परमेश्वर इससे पहले खाने को दिया, पीने को दिया, और आगे भी देगा जब आप पढ़ेंगे, लेकिन मेजबानी कभी नहीं करी। पहली बार प्रतापी यहोवा परमेश्वर, फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज होस्टिंग अ मील। इस बात को दाऊद समझ गया और उसने कहा, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाएगा। अब आप समझे मेज बिछाने का अर्थ क्या है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, लेकिन तू मेरे लिए, शत्रुओं के लिए नहीं, मेरे लिए मेज बिछाएगा। शत्रु मेरे चारों ओर इर्द गिर्द रहेंगे, वो देखेंगे, वो कहेंगे ये क्या हो गया, लेकिन प्रतापी यहोवा परमेश्वर ने मेरे लिए एक मेज तैयार किया है और मुझे न्योता देता है, कहता है आओ मेरे पास, मेरे साथ बैठकर खाओ, मेरे साथ बैठकर पियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक निकट का रिश्ता मैं बांधना चाहता हूं, मैं एक ऐसे वाचा में प्रवेश होना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा मुझसे इन बातों को कर रहा था, मेरे आंसू नहीं रुक पाए, क्योंकि हम लोग शायद ही वाचा के गहरी बातों को समझ पाए। हम लोग यूं ही बस संडे को आते थे, संडे को बस पादरी कहता था पियो, हम पीते थे, खाओ खाते थे, लेकिन कितने लोग हैं जो समझ के साथ इस भोज में शामिल होते हैं। इसीलिए इस लाइफ स्प्रिंग असेंबली में हम समय लेकर, हम इसमें समय बिताते हैं, हम दो मिनट में समाप्त नहीं करते हैं। ऐसी कलीसियाएं होंगी जो करते हैं, लेकिन नहीं, बाइबल के अनुसार ये वाचा बांधने वाला पांचवा कदम है जो यहां पर लिखा है। परमेश्वर ने उन 75 लोगों को स्वर्गीय और दैव्य भोजन खिलाया और स्वर्गीय और दैव्य पेय पिलाया। इन लोगों का अनुभव आप समझ सकते हैं, क्या अनुभव किया इन्होंने। ये शायद इतिहास में वही एकमात्र लोग थे जो परमेश्वर को देखकर वे जीवित रहे। 33वें पद में मूसा भी कहता है, प्रभु मुझे अपनी महिमा को दिखाओ। वो एक बार देख चुका है, उसको इतना पसंद आया, वो एक और बार चाह रहा था। लेकिन वहां दूसरी ओर यही 70 लोग जब वापस वादी में गए, वहां पे यही लोग पाप में थे। कौन सा पाप, कौन सा पाप, उन्होंने एक मूरत बनाया सोने का, और केवल बनाया नहीं, उस मूरत की आराधना करके कह रहे हैं ये वो ईश्वर है जो हमें इसराइल से छुड़ा के लाया। अरे ये क्या पागल हो गए, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनी, इतनी गजराहट, गर्जन, इतने गर्जन उस पहाड़ पर, इतना शोर उस पहाड़ पर, इतने घने बादल उस पहाड़ पर कि इसराइली डर गए। उन्होंने मूसा से कहा, मूसा भाई तू चला जा यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं सुनेंगे, तुम जाओ, तुम सुन लो, जो यहोवा कहेगा हमको आके सुना दो, हम कर देंगे, लेकिन हम यहोवा के पास नहीं जाएंगे। वो सब उन्होंने देख लिया,
और देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी एक सोने का मूरत बनाकर कहता है, इसने हमको मिस्र से छुड़ाया, ये हमको मिस्र से यहां लाया। कहां गया वो सारा अनुभव? कहां गया वो सारे सामर्थ परमेश्वर का जो उन्होंने अपने जीवन में देखा? और मैं आपको एक हकीकत बताऊं, आज आप और मैं उनसे अलग नहीं है, हम भी ऐसे ही आज भी हैं। यदि मैं आप सबों से पूछो, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, एक एक करके आप खड़े होकर आप गवाही दोगे कि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में ये किया, अद्भुत चंगाई दी मुझे, अद्भुत छुटकारा दिया, शैतानी शक्तियों से उन्होंने मुझे छुड़ाया और बंधनों से तोड़ाया, आप लोग सब इस बात की गवाही दोगे। लेकिन कल एक आप ऐसे अवस्था में पाए जाओगे जो बहुत कठिन होगा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पाओगे कि हमें दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आगे बढ़ना भी है या यहीं खड़े होना है या पीछे जाना है। तब हमारे मन में क्या प्रश्न आता है, कहां गया ये परमेश्वर, कहां गया ये ईश्वर, कहां है ऊपर वाले, किधर गए? क्या मेरी परिस्थिति को, मेरी दशा को नहीं देख पा रहे हो? मेरे आंसू नहीं दिखाई दे रही हैं? मेरा दर्द नहीं समझ पा रहे हो? कहां हो? इसराइली भी यही थे, उन्होंने कहा ये बुढ़ा चला गया 40 दिन तक वहाँ पर पहाड़ पे, पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक लौटा नहीं है, क्या मर गया है, जिंदा है, हम नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हारून तुम हमारे लिए एक दूसरा ईश्वर बनाओ, तुम बनाओ। कैन यू इमेजिन, कैन यू मेक अ गॉड? इन्होंने कहा तुम भगवान बनाओ, और जिसे हमने बनाया उसी की हम पूजा कर रहे हैं। उस अनुभव ने उनके जीवन को नहीं बदला, इसीलिए जरूरत इस बात की थी कि पुरानी वाचा को बदल कर एक नई वाचा बनाया जाए, और उस नई वाचा में आपको और हमको ये सौभाग्य मिला है कि हमें शामिल किया जाए। और इस नई वाचा को किसने बांधा? प्रभु यीशु मसीह ने। याद रखिए, यहां पर हम पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने वहां पर, ये नवे पद पे हम इस हिस्से को हम समाप्त करते हैं, उसके बाद क्या होता है आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको नए नियम की ओर ले जाना चाहता हूं, नई वाचा। नए नियम में हम क्या पढ़ते हैं? हम उसी ऐसे ही एक भोज के विषय में हम पढ़ते आ रहे हैं, मत्ती में, मरकुस में, लूका में हम पढ़ते आ रहे हैं एक भोज। अब इस भोज को किसने तैयार किया? प्रभु यीशु ने। और यही यीशु मसीह आज कहता है, लो खाओ। ये यीशु मसीह कहता है, लो पियो, ये मेरे लहू में एक नई वाचा है। वो न्योता देता है कि आओ इस भोज में मेरे साथ शामिल हो, कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस मील विथ मी, क्योंकि अब मैं नहीं इसमें शामिल हो पाऊंगा, ये आखिरी बार है इससे पहले कि मैं क्रूस में जाऊं, लेकिन मेरे साथ आओ और इस भोज में शामिल हो। और कहता है, लो खाओ, लो पियो। उस फसा के पर्व के भोज को परिवर्तित करके यीशु ने उसे एक पवित्र भोज बनाया, और वो भोज है जो आज के दिन हम यहां पर मना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रभु भोज। और इस भोज में प्रभु यीशु आपको और मुझे न्योता देता है और कहता है, मेरे पास आओ, मेरे शरीर में से खाओ, मेरे लहू में से पियो, ताकि तुम उसके एक हिस्सेदार बन सको। प्रभु यीशु एक निकट रिश्ता और एक निकट संबंध की ओर आपको और मुझे बुलाते हैं, और वो एक वाचा स्थापित करना चाहते हैं जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ और प्रभु यीशु मसीह में वास करते हुए उसके साथ हम विराजमान होंगे अनंत अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस न्योता को वो आपके और मेरे सामने बढ़ाते हैं,
जो बातों को हमने पढ़ा, मैं एक और बात की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कभी भी इस भोज को एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया। शुरुआत उस वेदी से है, कितने पत्थर से? 12। तीन पत्थर से भी बन सकते हैं, दो ऐसे खड़े करके और एक मेज टाइप का ऊपर, तीन पत्थर का भी बन सकता है। लेकिन परमेश्वर ने 12 पत्थर को 12 गोत्र के को दर्शाते हुए कहा। फिर परमेश्वर ने कितने लोगों को पहाड़ पर बुलाया? 70 और 4+1 75। लेकिन ये न्योता केवल इनके लिए नहीं था। आप यदि इससे पहले पढ़ोगे 19वें अध्याय में, खोलिए मेरे साथ 19वां अध्याय और ऊंचे आवाज में इसे जरा पढ़िए। परमेश्वर मूसा से कहता है कि लोगों से कह दे, इसराइल के लोगों से कह दे, क्या कह दे? चौथे पद को पढ़िए, 4, 5 और 6। निर्गमन उसका 19, 4, 5 और 6 पढ़िए। नहीं, सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़िए, ऊंचे आवाज में पढ़िए प्लीज, 4 पद से। वो क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मैंने खुद तुम्हें छुड़ाया मिस्र से, मानो उकाब के पंख के ऊपर तुम्हें बैठाकर मैं वहां से लाया हूं इस स्थान पर। कहां लाया हूं? कहां लाया हूं? कहां लाया हूं? चौथे पद में क्या लिखा है? अपने पास। बोलिए, अपने पास। मैं, आप लोग बाइबल छोड़ के कुछ और तो नहीं पढ़ रहे ना सेलफोन पे? ये आप जवाब नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने पास तुम्हें बुलाया है। किससे कह रहा है ये? मूसा से नहीं कह रहा है, इसराइलियों से कह रहा है, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है, इसलिए अब यदि निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो इन दो बातों को बोलिए मेरे पीछे, निश्चय मेरी मानोगे, वाचा का पालन करोगे। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं, मेरी मानोगे और वाचा का पालन करोगे। ये दो बातों को ध्यान में रखिए, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। ये क्या ही मनोहर, क्या ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर कहता है, बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, इसराइल को चुना है और तुम्हें अपने पास बुलाया है। इससे और सरल भाषा परमेश्वर क्या प्रयोग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ही कुडंट बी इजियर टू अंडरस्टैंड देन दिस। आई कॉल्ड यू टू माई सेल्फ, मैंने अपने पास बुलाया है, और यदि तुम मेरी मानोगे और वाचा को रखोगे तो तुम मेरे लिए निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है ही, लेकिन उस समस्त पृथ्वी में तुम मेरे ठहरोगे और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये बात हमने शायद कहीं और भी पढ़ा था, है? आप लोग बोल रहे हैं, कुछ कुछ आवाज नहीं पहुंच रही। नए नियम में, यस, कहां पर? पत्रस में। कौन सा पत्रस? पहला पत्रस, उसका 2वां अध्याय। खोलिए, खोलिए पहला पत्रस, उसका 2वां अध्याय और उसका 9वां पद। यहां पर परमेश्वर पहले निर्गमन में कहता है कि मैंने तुम्हें ठहराया है। अब यहां पर पत्रस क्या कहता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से? पढ़िए 9वें पद को। अच्छा, रुक जाइए, पहले सब लोग को पहुंचने दीजिए वहां पर। मैं चाहता हूं हर एक जन बाइबल से इस बात को पढ़े, हर एक जन पढ़े इसको। पहला पत्रस उसका 2वां अध्याय,
उसका नवा पद. रेडी स्टार्ट. ओके अब पर पत्रस किसको लिख रहा है? उस जमाने के कलीसिया को लिख रहा है, लेकिन आपको और मुझे भी लिख रहा है. और वो कह रहा है तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम एक चुने हुए वंश और पवित्र लोग हो. वही बात जो परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा पुराने नियम में 10 आज्ञाओं को देने से पहले बोला था. अब वही बात पत्रस यहां पर दोहरा रहा है, स्थापित कर रहा है इस बात को कि नए वाचे में भी हम वही चीज हैं जो परमेश्वर ने पुराने नियम में आपको और मुझे ठहराया. और मेरे प्रियो ये पूरे देश के लिए था. मैं इस बात से शुरू कर रहा था, ये एक जन के लिए नहीं था. इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि एकांत में आप परमेश्वर की आराधना कर लोगे तो सब ठीक है. एकांत में करना जरूरी है, उसका एक समय होता है, लेकिन केवल एकांत में करना वो ठीक नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है. जब कभी भी परमेश्वर ने वचन दिया और आशीषें दी वो बहुवचन में दी, बहुवचन में, एक वचन में नहीं. इसीलिए वो इस बात को स्थापित करता है कि हमें सामूहिक रीति से हर एक बात में शामिल होना है, एकांत में नहीं, सामूहिक रीति से. इसका अर्थ क्या है? हमारा आपसी संबंध, आपसी रिश्ता बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. यदि हम आपस में प्रेम नहीं कर सकते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते. यूहन्ना ने इस बात को अपने पत्रियों में इतनी बार उस पर जोर दिया और कहा यह संभव नहीं है कि तुम एक तरफ कहो कि हाँ हमारा परमेश्वर के बीच की बात है, हमारे लिए सब अच्छा है, बाकी को हमें कुछ, हमें कोई मतलब नहीं. गलत, वो एक पाप है. मालूम क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप प्रभु यीशु के देह के हिस्सा है, उसी प्रकार से वो जिससे आप शायद घृणा करते हो वो भी उसी देह का हिस्सा है. किसका देह? यीशु का देह. और यीशु को अपना देह प्रिय है, चाहे एक ये उंगली हो चाहे ये वाला उंगली हो, यीशु के लिए दोनों प्रिय हैं. ये उंगली ये नहीं कह सकता अरे मुझे तुझसे मतलब नहीं रखना है, तुम जाओ अपना काम देखो, वो जाने उसका काम जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं. गलत शब्द परमेश्वर के संतान के लिए, गलत शब्द. कभी भी केवल शब्दों का प्रयोग ना करें, परंतु साथ में ऐसा विचार भी मत रखिएगा. आप पाप कर रहे होंगे, आप सोचते हैं आपके कितने प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं मिलती है, ये वजह है इसकी, ये वजह है, क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु के देह के विरुद्ध में आप पाप कर रहे हो. केवल इतना ही नहीं, केवल अपने दिल में घृणा नहीं रखते हो, लेकिन इसी घृणा को दूसरों तक पहुंचाते हो. अरे सुना वो कैसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है, उनसे दूर रहना, उनसे मत मिलना. ये परमेश्वर का काम है, शैतान का काम है? विभाजन, घृणा पैदा करना किसका काम है? हम किसके साथ भागीदारी हो रहे हैं यदि हम इसमें अपने आप को देते हैं? हम प्रभु यीशु की देह के विरुद्ध में हम पाप कर रहे हैं अगर ऐसा हम बोलते हैं. उससे बात मत करना, उसके संगति में मत रहना. मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं. मेरे प्रियो प्लीज, इस वेदी से आप कई बार सुन चुके हो इस बात को, ऐसी बातों के लिए अपने आप को नहीं देना है और नहीं देना है. यदि आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं तो इसराइलियों के समान इस बात को कहना है, केवल कहना नहीं है परंतु मानना भी है. हम सब कुछ करेंगे, हम आज्ञा मानेंगे, ये वाचा का एक हिस्सा है. हम आते हैं नए नियम में और हम प्रभु भोज की तैयारी में रहेंगे. पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय. मैं इस बात को पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ. पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, यहाँ पर एक कथन है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ. वो अलग अलग पदों में है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ. पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय,
हम 18वें पद से हम शुरू करेंगे। पौलुस यहां पर कहता है, मैंने सुना है कि जब कभी तुम इकट्ठे होते हो या एक साथ आते हो, ओके, मैं उस शब्द पर ध्यान ले जाना चाहता हूं। एक साथ क्या शब्द है वहां पर? इकट्ठे होते हो, इकट्ठा होना। क्या एक जन अकेले इकट्ठा होता है? नहीं ना, इकट्ठा होने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। ओके, 20वें पद क्या लिखा है सनी? तो तुम जो एक जगह, सब लोग बोलिए एक जगह, है ना, घर में अकेले अकेले नहीं। इसीलिए हमें कभी भी जूम द्वारा कम्युनियन पसंद नहीं है, प्रभु भोज, क्योंकि उसमें प्रभु भोज का आधा अर्थ रहता ही नहीं है। क्योंकि पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है कि जब कभी तुम इकट्ठे होते हो एक जगह, ओके, 29 पद में, हाँ, यदि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। ये कौन देह है? ये आप और मैं है, ये रोटी और वो नहीं है, ये आप और मैं। प्रभु की देह को अगर हम नहीं पहचानते, यदि मैं अपने भाई को अपने बहन को ना पहचानूं तो क्या होगा? अपने ऊपर दंड लाता है। इसीलिए मैंने कहा ये पाप है यदि आप किसी के विरुद्ध में ना केवल शब्दों के द्वारा परंतु अपने कार्यों के द्वारा भी, अपने सुझावों के द्वारा भी कहते हैं उनसे मतलब मत रखना, उनसे बात मत करना, उनके साथ मिलना नहीं। अगर उस व्यक्ति में कोई कमी है तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप सुधारें, आप उसे बढ़ाएं, उस कमी को दूर करें। अपने आप को दूर करने के लिए नहीं लिखा है वचन में, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए कहा गया है। याद रखिए परमेश्वर का वाचा में हम करें और हम आज्ञा माने। ओके, 33, हाँ हाँ, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। क्यों ठहरें? ताकि सब लोग एक साथ मिलकर खाएं, एक साथ मिलकर पिएं, एक साथ मिलकर संगति करें। यह परमेश्वर का उद्देश्य है, ये प्रभु यीशु की चाहत है कि सब एक साथ मिलकर एक आपसी रिश्ता और एक आपसी संबंध। मेरे प्रियो, हम करें और हम सुने, आज्ञा माने। 34वां पद, लास्ट लाइन, 34 पद का लास्ट लाइन, जब तुम मिलो, ताकि जब तुम वापस एक साथ मिलो तुम अपने ऊपर दंड ना लाओ। वो लाइन पढ़ना, हाँ, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना। मैंने आपको 6 जगह दिखाया है इसी एक संदर्भ में जहां पर पौलुस ने इस बात पर जोर दिया है। इस एक लाइन को बार बार पौलुस क्यों जोर दे रहा है, क्यों जोर दे रहा है? इसका कोई महत्व है। इकट्ठा होना, एक जगह आना, एक साथ मिलकर खाना, एक साथ मिलकर पीना, एक दूसरे के लिए अपने आप को उपलब्ध करना, एक दूसरे के लिए उपस्थित होना, एक दूसरे के साथ रिश्ता बांधना, इन बातों पर पौलुस जोर दे रहा है। यह कहना कि अरे हम घर पे, परमेश्वर सब जगह है, तो जहां यहां चर्च में वहां घर पे, हां है, लेकिन जब वो समय आता है कि लोग जमा हो एक जगह, उस समय में आप अगर घर पे हो तो परमेश्वर वहां नहीं है। यदि आपकी तबीयत खराब है वो अलग चीज है, आपका फ्रैक्चर है, आप चल नहीं पा रहे हो, या आप मरने पर हो, या आप मर चुके हो, तब आप नहीं आ सकते ना यहाँ पे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप आ सकते हो, हष्ट पुष्ट हो, आप आ सकते हो, लेकिन आपके एटीट्यूड के वजह से आप नहीं आए हो, उस समय परमेश्वर आपके साथ वहाँ पर घर पर नहीं होगा, क्योंकि आपकी रवैया ठीक नहीं है। पौलुस इस बात पर जोर देता है, एक साथ मिलकर। यीशु मसीह पर भी तो दोष दिया गया था, जो आरोप हम एक दूसरे पर डालते हैं ना, उन दिनों में यीशु पर, अरे ये कुंजी लेने वालों के साथ उठता बैठता है, है ना? मैंने क्या बोला? कुंजी,
होली स्पिरिट प्लीज गिव मी द राइट वर्ड्स. चुंगी, चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता है, प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्या, वैश्या, यस, व्यभिचारी इज अडल्टर. वैश्यों के साथ उठना बैठना, खाना पीना. मैंने अभी भोजन के बारे में क्या कहा, खाते पीते उनके साथ जिनके साथ निकट संबंध है ना. तो दूसरे शब्दों में यीशु पर दोष दे रहे थे कि तुम्हारे ये लूज कैरेक्टर वाले जो औरत हैं उनके साथ बहुत निकट संबंध है. उन्होंने दोष दिया ऐसा यीशु पर. चेलों से भी कहा कि ये तुम्हारा स्वामी कैसा है, उठना बैठना केवल ही नहीं परंतु खाना पीना भी उनके साथ. तो यीशु ने क्या किया, अरे बाबा पब्लिक ऐसे कह रही तो हम नहीं करेंगे, है ना, सही कह रहा हूं, आमीन. किसने आमीन बोला? नहीं, यीशु परवाह नहीं करता लोग क्या कह रहे थे, वो इस बात का परवाह करता था कि प्रभु क्या कहता है, पिता ने क्या कहा. और पिता ने कहा कि तुम बीमारों के पास जाते हो और बीमार हैं जिन्हें वैद्य की आवश्यकता है. यस, जो चंगे हैं उन्हें आवश्यकता नहीं है, बीमारों को आवश्यकता है. यदि आप जानते हो कोई ऐसा जो दुनिया के अनुसार इस लायक हो कि उनसे दूर रहो, उनसे कोई मतलब मत रखो, उनको अलग रखो, उनके पास जाना भी मत, जय मसीह की भी बंद बोलना, गलत. मैं विशेषकर हमारे जो महिला विभाग के सदस्य उनसे विशेषकर कहना चाहता हूं, आप लोग इस विभाग में इसीलिए हो कि आप लोगों को बनाओ, ना कि इसीलिए कि आप लोगों को विभाजित करो. आपका काम यह है कि आप लोगों को जोड़ो. युवा विभाग के लोगों से भी यही मैं कहना चाहता हूं, जो आप नेता हैं, जो अगुए हैं, आपका काम है अगुओं को, युवाओं को बढ़ाना, बनाना, मजबूत करना. आराधना दल के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा काम यह है कि हम लोगों को बढ़ाएं, उन्नति करें. क्योंकि यीशु मसीह एक निकट संबंध और रिश्ते में सब लोगों को बुलाते हैं, और आज वही न्योता हमारे सामने है. आओ इस रोटी को खाओ और इस रस में से पियो. जब ये पांचवें स्तर पे हम पहुंचते हैं तब वाचा पूरा हो जाता है, पूरी तरह से रेटिफाई होती है. ज़रूरत इस बात की है कि हम पांचों कदम को करें. जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम यही पांच चीज़ों को करते हैं. जब उद्धार की बात होती है, पहला मैंने क्या कहा था, पहली बात क्या थी, वेदी. हम अपने आप को उस बलिदान के रूप में लाते हैं. रोमियो के 12:1 में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, नो, रोमन्स 12:1 क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों, आई अर्ज यू बाय द मर्सीज ऑफ गॉड दैट यू ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, जीता भावता हुआ बलिदान. पहला कदम मैंने बोला था ऑल्टर, और दूसरी बात उस ऑल्टर पर बलिदान. हम लोग यही तो करते हैं जब यीशु के पास आते हैं, हम ऑल्टर पे अपने आप को अर्पित करते हैं. और जब हम यीशु के पास आते हैं हम अपने आप को अर्पित करते हैं. फिर उसके बाद लोगों ने तीसरी बात क्या है, उन्होंने कहा हम करेंगे, हम आज्ञा मानेंगे. हम भी यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु जिस दिन जब से तू मेरा राजा बनेगा जैसा तू कहेगा वैसा ही हम करेंगे, तेरी आज्ञा को मानेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे. सही बात है कि नहीं. चौथा, लहू छिड़काया गया. और हम और आप जब यीशु के पास आते हैं तो वो हमें कैसे स्वच्छ करता है, अपने लहू से, अपने लहू से. ही क्लेंजेस अस बाय हिज ब्लड. वो लहू हमारे ऊपर छिड़काता है. और फिर पांचवी बात क्या था, आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, पांचवी बात कौन सी थी, ओ
तो मेरा जितना एक घंटे का भाषण था वो सब बेकार गया। वाचा के लिए पांचवी बात कौन सी थी? परमेश्वर ने 74 लोगों को बुलाया और कहा आओ मेरे साथ खाओ और पियो। और आज जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं, जितने पानी का बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो प्रभु यीशु के लहू से धुले हैं और जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, वचन के अनुसार, उन्हें यीशु मसीह कहता है आओ मेरे साथ खाओ और मेरे साथ पियो। जो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, वही चीज़ हम नए नियम में एक दूसरे रीति से, एक बेहतर रीति से और एक और निकट रीति से हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं, लेकिन बड़े अर्थ के साथ और समझ के साथ। इसीलिए उसे नई वाचा कहा जाता है। हम अपने स्थानों पर खड़े हों और अपने आँखों को हम बंद करें। हालेलुया। आँखों को बंद रखते हुए मैं चाहूँगा कि इन बातों को आप विचार करें जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं। नई वाचा, यीशु मसीह कहता है मेरे लहू में जो नई वाचा है, इस वाचा को दर्शाते हुए तुम इस रस में से पियो। पुरानी वाचा के अनुसार हमने देखा परमेश्वर ने वो पांच बातें जो इसराइलियों से करवाया पुराने वाचा के अनुसार, आज नए वाचे के अनुसार उन्हीं पांच बातों को हम नए समझ के साथ और नए अर्थ के साथ हम करते हैं। क्या हम इस योग्य हैं कि हम इस भोज में शामिल हों? क्योंकि पौलुस ने इसी बात पर जोर देते हुए कहा कि बहुत सोच समझ कर अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और 27वें पद में वो कहता है जो भी अयोग्य रीति से इस प्याले में से पीता है और रोटी में से खाता है वो अपने ऊपर दंड लाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के देह और रक्त के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आपको जांचना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये वो न्योता है जो परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हर एक जन को देता है और कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे वाचा में प्रवेश करो। यदि तुम मेरे साथ भोज करना चाहते हो तो मेरे पास आओ, इस वाचा में प्रवेश करो। ये पवित्र एक विधि है और आज के दिन भी यह न्योता लोगों तक पहुंचती है। ये दैव्य भोज जो प्रभु यीशु ने स्वयं स्थापित किया और ये उस भोज को दर्शाता है जो हम प्रकाशित वाक्य में, जिस विषय में हम पढ़ते हैं, एक भोज जो आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया जा रहा है। मैं चाहूंगा इस आखिरी पद को हम पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, और मैं चाहूंगा कि इसे हम एक साथ मिलकर ऊंचे आवाज में पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 6 पद से हम पढ़ेंगे, 6 पद से 9 पद तक। और 6 पद में लिखा है बड़े शब्द में उन्होंने कहा, तो मैं चाहूंगा कि ऊंचे शब्द में हम भी इस बात को पढ़ें। 6 पद से पढ़िए प्लीज। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये कौन है? दुल्हन। दुल्हन कौन है? आप और मैं। हम तैयार किए जा रहे हैं इन दिनों में, क्या आप उस तैयारी में शामिल हैं? क्या आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं? क्या आपको दुनिया से अलग कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ बीते दिनों में, अभी एक त्योहार बीती और बड़े दुख के साथ मेरे सामने ऐसे चित्र आए, अपने ही चर्च के कुछ पुराने विश्वासी जो उस त्योहार में अपने आप को शामिल किया और अपने आप को इस दुनिया के रंग से रंगा,
भले ही उन्होंने अपने आप को पानी से नहीं नहलाया रंगीन पानी से, लेकिन शायद रिश्तेदारों के दबाव में आकर कहीं एक छोटा सा पुड़िया का टुकड़ा लेके यहाँ पे गाल पे या माथे पे या पता नहीं कहाँ कहाँ, हमने नहीं खेला, केवल एक छोटा सा पुड़िया है, क्या है, जरा सा पाउडर है, उससे क्या मतलब। और मैं नए विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने विश्वासियों के, दिल मेरा टूट गया, क्योंकि एक तरफ यीशु मसीह कहते हैं तुम दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया के चीज़ों में जुड़ नहीं सकते हो, दुनिया के बातों में उलझना नहीं है, और वहाँ दूसरी ओर यही वही लोग हैं जो बहुत, जिनको देखकर लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ा अति पवित्र हैं, बहुत बड़े विश्वासी हैं, आराधना पूजा पाठ आराधना करने वाले लोग हैं, और वो चित्र सब तक नहीं पहुंचा, हर एक तक नहीं पहुंचा, कुछ ही लोग तक था, क्योंकि वो छुपा रखा था, क्या कहते हैं हाइड, हाइड ना, हाइड फॉलोअर हाइड, हाँ कितने सारे लोग थे। मैं बहुत दुखी हुआ, मैंने कहा हे प्रभु ये लोग प्रभु भोज में कैसा हिस्सा लेते हैं, प्रभु यीशु ने सबको दुनिया से अलग होने के लिए कहा और ये लोग अलग भी नहीं हो रहे हैं और साथ में अपने आप को इन चीज़ों के लिए दे रहे हैं। मेरे प्रियो ये एक पवित्र विधि है, अपने ऊपर परमेश्वर का दंड मत बुलाना, आप अयोग्य रीति से इसे ना लें, ये मेरी आपसे विनती है चिंता के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने इस भोज को तैयार करने के लिए मालूम कौन सी कीमत चुकाई है, कौन सी कीमत चुकाई है, अपना जान दिया उसने आपके सामने, आपको इस भोज में न्योता देने के लिए अपनी जान दी उसने, ये कीमत थी इस भोजन की। हम और आप कैसे इसे हल्के रीति से ले सकते हैं, हल्के रीति से नहीं ले सकते हैं। लाइफ स्प्रिंग असेंबली में खैर हम बिल्कुल भी इसे हम हल्के रीति से नहीं लेते हैं, इसीलिए हम प्रभु भोज में समय लेते हैं इसके लिए। कुछ और चर्चेज में 2 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, खा लिया पी लिया और चल दिए, यहाँ नहीं, क्योंकि हम इसकी गंभीरता से लेते हैं और वो गंभीरता देते हैं जिसे देना चाहिए। ये छोटी मोटी भोजन नहीं है, बहुत निकट रिश्ता वाले भोजन है, बड़ी कीमती है, बहुत कीमत चुकानी पड़ी यीशु को ये भोजन के लिए। इसीलिए मैंने आपको खड़ा किया कि आप अपने आंखों को बंद करके आप अपने लिए दुआ करिए। मैं यहाँ पर इस सभा को समाप्त करने जा रहा हूँ, जितने लोग प्रभु भोज के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, बाकी लोग बड़े चुप से आप यहाँ से जा सकते हैं। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे, प्रभु की उपस्थिति आपके संग रहे, और मेरी प्रार्थना ये है कि बहुत जल्द आप भी इस न्योता को स्वीकार करके आप भी इसमें हिस्सा ले सको। लेकिन हिस्सा लेने के लिए वो पांचों कदम आपको उठाना ज़रूरी है, जिसमें से तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। जब इसराइलियों ने कहा हम करेंगे, हम आज्ञा मानेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब आप तैयार हैं इस बात के लिए आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप उस वाचा में प्रवेश होकर आप इस भोज में हिस्सा ले सकते हो। हालेलुया।